Everyone, this is Sumit Kumar. I hope you guys are doing very good. और इस पैंडेमिक में आप लोग ठीक होंगे. यार आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करूँगा, ठीक है. ये जो पैंडेमिक तो है ही, और साथ साथ कुछ ऐसा भी दिमाग में भी किसी का पैंडेमिक चल रहा है ना, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है. मैं बताता हूँ क्यों. कुछ बच्चे जब इंक्वायरी के लिए कॉल करते हैं या बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से चीज बैठा रहता है कि सर बुकलेट, सर कुछ क्या बोला जाता है इसको, कि हाँ कुछ मटेरियल, सो कॉल्ड मटेरियल, और कुछ बहुत सारी चीजें. यार एक चीज मुझे बताओ, क्लास में पढ़ाई से हेल्प होगा? लाइव क्लास जब आप अटेंड करोगे या ऑफलाइन का क्लास जब आप अटेंड करोगे, उससे आपको ज्यादा हेल्प होगा कि आप जो हो मटेरियल मिलने से आपको हेल्प होगा? अगर जहाँ तक मटेरियल की बातचीत है ना, तो वो यार एक ना जो फोटो स्टेट होता है या जीरोक्स सेंटर होता है, वहाँ भी मिल जाता है मटेरियल. सेम मटेरियल आपको मिल जाएगा. तो मटेरियल से ही अगर सब कुछ होने लगे, तब तो फिर कोई टेंशन नहीं है. तो ये जो बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है, ये जो बच्चों लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, इसमें मैं बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं दूंगा. ये थॉट कैसे आ रहा है, इस पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है. दिमाग में ये होना चाहिए, थॉट ये होना चाहिए, जो मेरा पर्सनली मानना है, कि क्लास में चीज़ें मुझे समझ में आए, मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़े. जिस इंटेंशन से मैं सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ वो और बड़ा हो, उसका एक ब्रॉड सेंस एप्लीकेशन पता चले, ताकि मज़ा आए चीज़ें, है ना. उसका एक मोटिवेशन क्लियर हो कि ये सब्जेक्ट मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, वाई दिस सब्जेक्ट इज सो मच इम्पॉर्टेंट. वो चीज़ ज़रूरत ही नहीं है किसी को. अब ये चीज़ का थोड़ा सा बहुत बुरा लगता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है. ओके, तो इसीलिए मेरा जो अभी नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनसे बस यही मेरा बोलना है कि भाई थोड़ा सा ना ये जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा अच्छा करो. ये नोट्स मटेरियल कुछ नहीं रखा है, क्लास में फोकस रखो. क्लास में जो पढ़ाया जाता है, जो हम लोग पढ़ाएंगे उस पर फोकस रखो. जो बुक सजेस्ट किया जाएगा उसको ध्यान दो. उससे क्या होगा ना, जो दिमाग का ढक्कन है, देखो जो मैंने टोपी पहना है, तो आपके अंदर भी एक ढक्कन होगा ऐसे ही, वो खुलेगा. और वो जब खुलेगा और जो मैं पढ़ाऊंगा वो घुसेगा अंदर, और वो जब घुसेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्जेक्ट में, और फिर जे ट्रस्ट मी मजा आएगा. हाँ हेलो. तो और जो इस मैं बात करना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत ये तो मैंने बताया ही, क्या इसमें अंतर है आपके ये मटेरियल. ये नहीं बोल रहा कि वो बहुत ही गलत है, लेकिन जरूरत नहीं है उसका. जब टीचर आपको अच्छे से बोर्ड पे पढ़ाएगा, चीज़ें जब आपके समझ में आएंगी, जरूरत नहीं पड़ेगा इस सारी चीज़ों का, ठीक है. तो वो चीज़ पे ध्यान देना है. और ये जो भी करंट पैनेडेमिक चल रहा है, ये सिचुएशन जो चल रहा है, जिसे हम और आप, आपके परिवार, मेरे परिवार या पूरा देश जिसे जूझ रहा है, पूरी दुनिया, इस पैनेडेमिक को आप चाहें ना तो अच्छे सही डायरेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं. इस समय में, क्योंकि इस समय में आप घर में बैठे हैं सही से, और लगभग लोगों के पास मुझे जहाँ तक विश्वास होगा मोबाइल होगा, मोबाइल में इंटरनेट होगा, और वो 24 घंटे जो 1 GB, 1.5 GB, 2 GB का डेटा जो आता है नॉर्मल, वो आपके पास होगा ही. उसको आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से. उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, पढ़ाई में, अपने नॉलेज को इंक्रीज करने में, उस चीज़ में आप ध्यान दे सकते हैं. आप सोचिए, अगर ये पैनेडेमिक नहीं रहता और आप ऑफलाइन क्लास करने के लिए नोबल फोरम आते दिल्ली, आप एक एवरेज आप जोड़ के देखिए आपको कितना खर्च होता पैसा. क्लास फीस है, रहना है, खाना है. चलो क्लास फीस में अगर मैं जीरो भी कर दूं कि नहीं मैं नहीं ले रहा फीस, उसके बाद आप सोचो कि एक दिल्ली जैसे शहर में एक आम बच्चे के लिए रहने और खाने में कितना खर्च है. वो तो मैं नहीं कुछ कर सकता, फीस में चलो जीरो कर दिया, उसके बाद आप बताओ वो तो आपका सेफ हो रहा है ना. तो क्यों नहीं इस पैनेडेमिक को सही डायरेक्शन में यूज करो. ठीक है, सिचुएशन आसपास बहुत खराब है, नेगेटिविटी का हर जगह माहौल आ रहा है. हर जगह कहीं फोन करो तो किसी का तबीयत खराब है, किसी को ये है, फलना के दादी मर गई, फलना के वो हो गई. यार नेगेटिव न्यूज है हर जगह, बट इस चीज को अच्छे डायरेक्शन में भी तो यूज करो. खाली समय है दबा के पढ़ो, मैथमेटिक्स में ऐसा काम करो कि मजा आ जाए फिर. ओके, और जो जहाँ तक इसका मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस फार्मा सेक्टर में, मेडिसिन सेक्टर में, इस पैनेडेमिक में, ताकि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हर जगह मैथमेटिक्स है, तो उसको ढंग से मतलब तरीके से सीखें, ताकि आने वाली फ्यूचर्स में इसका कुछ एप्लीकेशन अच्छा हो पाए. तो वो इंटेंशन होना चाहिए और उस इंटेंशन से पढ़ाई करनी चाहिए. ओके, तो
इसीलिए इसी काम के बाद मैं स्टॉप हो जाऊंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थॉट प्रोसेस सही होना चाहिए। जो मैं आपको बोला या अभी तक जो मैं बोल रहा था कि ये नोट्स ये मटेरियल वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या है? योर थॉट, योर प्रोसेस, आपका थिंकिंग, आपका इंटरेस्ट, है ना, और मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैथमेटिक्स आपको क्यों अच्छा लग रहा है, ये सारे का रीज़न। ओके, बाकी फिर ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, एंड सी यू, टेक केयर।